हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं इमरान सिंह YouTube चैनल। दोस्तों हर उसके राज्य में एक रेस्क्यू कॉल है। ये रेस्क्यू कॉल जो हमारे यहां पर देख सकते हैं अंतना टंडा यहाँ से पास में होता है। अरे ये बाईपास है, इस तरह आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो इसी कारण उन्होंने ये वीडियो के अंदर एक साफ दिखाई दिया है। तो दोस्तों वीडियो में आकर तक बने रहिए, जो अभी तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में आकर तक बने रहिए, निकाल के दिखाते हैं कि सांप कौन सा है। तो वीडियो में दोस्तों आकर तक बने रहिए, आइए। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंडियन स्पेसिफिकल कोबरा है, जो भारत देश का बहुत ही सबसे खतरनाक सांप होता है। बराबर आना है बाटली डब्बी, तो वो डब्बी है। प्लास्टिक डब्बी नहीं कूड़ रही काका, दौड़ दा पूरा सामने से मारते हैं पकड़ने वाला आ रहा है। कोशिश कर ए यार, जा हम इसको ये दिखता हूं। मैं बात देखो
साकरे मामा साकरे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए, ले चलते हैं इसको नेचर में वापस, इसके परारण में आजाद कर देते हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कोबरा स्नेक को रेस्क्यू किया था यहाँ पर, उसके आने के लिए तो वातावरण उसको रिलीज करने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। दोस्तों दिखाते हैं आपको इसी को दोस्तों, इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा, हिंदी में नाग गेवन, महाराष्ट्र में नागे नाम से जानते हैं, हमारा कन्नड़ा में नागरहंस नाम से सांप को जाना जाता है दोस्तों। उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, और ऐसे सांप जब भी बाइट करते हैं दोस्तों सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तरफ ही जाना है, कोई भी झाड़ फूक हो जाएगी नहीं, तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं रहना है। तो ठीक है दोस्तों, उसको बिना परेशान किए जल्द से जल्द हम उसको रिलीज कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता तो जैसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, फिर किसी आपको रेस्क्यू करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में जरूर याद रखिए। धन्यवाद।